गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPCIC ऑनलाइन क्लासेस में। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x² + x। यहाँ पे हमें चेक करना है किसका कोफिशियंट के बारे में बता रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या कॉन्स्टेंट दिया है, यानी 1 दिया है। तो यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा आपका, 1। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखिए। 2 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसमें आपका दिया है 2 - x² + x³। यहाँ पर आपको किसका कोफिशियंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या दिया है, 1, और 1 के साथ क्या है फिर माइनस। तो यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए आपका। यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है π/2x² + x। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपका क्या है यहाँ पर, π/2। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, π/2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है √2x - 1। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, √2x - 1। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, लेकिन क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका 0। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक एग्जांपल लेके बताना है कि बाइनोमियल जो होगा वो डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और जो आपका मोनोमियल टर्म होगा उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, 100 होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका 3 क्वेश्चन। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो आपका बाइनोमियल होगा उसकी डिग्री होनी चाहिए 35 और जो मोनोमियल होगा उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो इसके पहले हमने आपको बताया था जो बाइनोमियल टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। यानी हमको बाइनोमियल लिखने के लिए यहाँ पे कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। तो आपको पता है कि 2 टर्म के लिए हम कोई भी यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, उसमें 2 टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो फॉर एग्जांपल हमने बाइनोमियल के लिए लिया, तो बाइनोमियल के लिए एग्जांपल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एक एग्जांपल लेके आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। तो देखिए आप मोनोमियल का जब हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी दे रही थी, 100। यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट नंबर रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इसके लिए आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी इसमें हमको डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बतानी है। हमने आपको इसके पहले की क्लास में बताया था कि डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जो भी इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 3। जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है 4 - y²। यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, y, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2।
फिर इसी तरह आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखिए 5t माइनस अंडर रूट 7। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे क्या है 1, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या दिया है, 3 दिया है, लेकिन क्या कोई इसके साथ आपका कांस्टेंट दिया है, वेरिएबल दिया है, सॉरी वेरिएबल अगर नहीं दिया है तो आप ये बताइए क्या यहाँ पर कोई डिग्री होगी, नहीं, क्योंकि वेरिएबल की ही पावर तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें इसमें क्या बताना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल इस क्या होगी 1 होगी, तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 1 डिग्री रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 डिग्री रहेगी तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री रहेगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही बताना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे हम लोग इसकी डिग्री देखते हैं, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2 है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी दे रही है 3, अगर इसकी डिग्री 3 दे रही है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाले में चेक करते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 2, अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, अगला में क्या दे रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस x है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए यहां पे दे रहा है 1 प्लस x, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला ये दिया है आपका 3t, यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी है 1, अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर। अगला क्वेश्चन देखिए r स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2, और 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है आपका लास्ट है 7x³, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इसकी डिग्री कौन सी है 3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2।